हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लैक समनर सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि धरती पर एक बिजली आकर गिरती है और वो बिजली अपने साथ एक लड़के को लेकर आई थी। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़का इंसानी दुनिया का वासी था, पर एक दिन एक गॉड की गलती की वजह से उस लड़के की डेथ हो गई थी, जिस पर उस गॉड ने उस लड़के को इस मैजिकल वर्ल्ड में भेज दिया, क्योंकि वह उस लड़के को वापस से इंसानी दुनिया में नहीं भेज सकती थी। तभी उस लड़के को होश आता है, लेकिन उस लड़के को उसके पास्ट की मेमोरीज के बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो कौन है और वो यहाँ पर कैसे आया। तभी उस लड़के के सामने एक स्टैट्स बोर्ड आता है जो वो गॉडेस होती है, जिसकी गलती की वजह से वो लड़का मर गया था। तभी वो गॉडेस उस लड़के को इस दुनिया के बारे में बताती है कि यह दुनिया एक मैजिकल वर्ल्ड है जहाँ पर बहुत सारे मैजिकल जीव रहते हैं। तभी वो लड़का उस गॉडेस से पूछता है कि आखिर उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, जिस पर वो गॉडेस उस लड़के से कहती है कि उस लड़के ने इस दुनिया में आने से पहले उस गॉडेस से एक सौदा किया था और उस सौदे में उस लड़के ने अपनी पिछली लाइफ की मेमोरीज के बदले ताकतवर होने की विश मांगी थी। और प्रूफ के तौर पर वो गॉडेस उस लड़के को उसके स्टैट्स दिखाती है, जहाँ पर काइल देखता है कि उसकी सभी स्किल एस रैंक की है और वो एक समनर है। इसके बाद वो गॉडेस काइल को एक गिल्ड को ज्वाइन करने को कहती है, जहाँ पर उसे कई तरह के मिशन मिलते और वह उन मिशन को पूरा करके पैसे कमा सकता था, जिस पर काइल उस सिटी के गिल्ड में जाता है, जहाँ पर वो उस गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए एक फॉर्म भरता है, पर वो उसमें खुद को एक समनर के तौर पर भर रहा था, जो देखकर एंज काइल को टोकती है और उसे पूछती है कि क्या वो एक समनर है, क्योंकि समनर्स इस दुनिया में बहुत रेयर होते हैं, इसलिए जब कोई समनर सामने आता है तब किंग उसे अपने अंडर कर लेते हैं। जो सुनकर काइल उस फॉर्म में खुद को एक मेज के तौर पर इंट्रोड्यूस कराता है, क्योंकि वो किसी किंग के अंडर काम नहीं करना चाहता था और हमेशा आज़ाद रहना चाहता था। इसके बाद एंज काइल को उसके गिल्ड के मेंबरशिप का कार्ड देती है, जिसमें काइल की रैंक F थी, जो देखकर काइल एंज से उनकी रैंकिंग सिस्टम के बारे में पूछता है, जिस पर एंज काइल को बताती है कि सभी नए मेंबर को शुरुआत में F रैंक का कार्ड दिया जाता है, जिस वजह से वो सिर्फ F रैंक का ही मिशन कर सकते हैं और अगर वो अपनी रैंक को बढ़ाना चाहता है तो उसे F रैंक के लगातार 10 टास्क को कंप्लीट करना होगा, जिस पर काइल एंज से उसका पहला टास्क मांगता है, जिस पर एंज काइल को कई टास्क दिखाती है, जिसमें से काइल कुछ स्लाइम्स को मारने का टास्क ले लेता है। इसके बाद काइल अपने मिशन पर निकल जाता है और जंगल में स्लाइम्स को ढूंढने लगता है। तभी उसे कुछ स्लाइम्स दिखाई देते हैं, जिस पर काइल अपने आइस की पावर से उन स्लाइम्स के स्टेटस को चेक करता है और वो देखता है कि वो स्लाइम्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो देखकर वो जोश में आ जाता है और वो एक स्लाइम पर अटैक करता है, पर वो स्लाइम काइल के अटैक से बचकर उस पर ही अटैक करता है, जिससे काइल चौंक जाता है क्योंकि वो स्लाइम आम स्लाइम से ज़्यादा ताकतवर था। इसके बाद वो स्लाइम काइल को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिस पर काइल उस स्लाइम से लड़ने की कोशिश करता है, पर वो स्लाइम काइल को बहुत मारता है, जो देखकर काइल को गुस्सा आ जाता है और वो उस स्लाइम पर एक अटैक करने में कामयाब हो जाता है, जिससे उस स्लाइम की HP बहुत लो हो जाती है। तभी काइल उस स्लाइम को अपना एक सर्वेंट बनाने के बारे में सोचता है, क्योंकि वो स्लाइम आम स्लाइम से ज़्यादा ताकतवर था। इसके बाद काइल उस स्लाइम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, जिससे वो स्लाइम काइल के बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। तभी काइल देखता है कि वो उस स्लाइम की फीलिंग्स को महसूस कर पा रहा है, जिससे उसे पता चलता है कि वो स्लाइम भी उसका सर्वेंट बनकर खुश है, जो देखकर काइल को भी अच्छा लगता है। इसके बाद काइल उस स्लाइम को समन करता है और उसका नाम क्लॉथ रखता है और कुछ स्लाइम्स को मारने में उसकी मदद मांगता है। फिर वो दोनों धीरे धीरे कुछ स्लाइम्स के करीब जाते हैं और उन पर अटैक करते हैं, जहां पर काइल अपने एक अटैक से ही एक स्लाइम को मार देता है। तभी उसकी नज़र क्लॉथ पर जाती है, जो बड़ी आसानी से दूसरे स्लाइम को भी मार देता है, जो देखकर वो क्लॉथ के स्टैट्स को चेक करता है और वो देखकर बहुत हैरान होता है कि क्लॉथ का पावर लेवल 100 हो गया है, क्योंकि कुछ देर पहले उसका पावर लेवल सिर्फ 2 था, जिस पर वो गॉडेस काइल को बताती है कि इस दुनिया में जब भी कोई समनर किसी भी जीव के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तब उस जीव के स्टैट्स 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, जो जानकर काइल थोड़ा खुश हो जाता है। इसके बाद काइल क्लॉथ को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और गिल्ड से अपनी पहली कमाई ले लेता है और एक होटल ढूंढने लगता है। इसी दौरान रास्ते में उसे एक स्लेव ट्रेडर दिखाई देता है, जो कुछ फीमेल स्लेव्स को बेच रहा था।
तभी काइल की नज़र एक एल्फ स्लेब पर जाती है जो आम स्लेब से थोड़ी अलग थी, लेकिन काइल वहां से चला जाता है क्योंकि उसके पास उस स्लेब को खरीदने जितने पैसे नहीं थे। फिर वो एक होटल में रुकता है जहां का खाना बहुत अच्छा था, जिसके अगले दिन काइल दोबारा से क्लॉथ के साथ अपने काम पर निकल जाता है और धीरे धीरे अपने कई टास्क को कंप्लीट कर देता है, जिससे काइल भी धीरे धीरे ताकतवर हो रहा था। इसी दौरान हम एंज को देखते हैं जो काइल के लिए बहुत खुश थी क्योंकि काइल का गिल्ड में प्रमोशन हो गया था और अब उसकी रैंक ई हो गई थी। तभी काइल एन से एक डी रैंक का मिशन मांगता है, जो देखकर गिल्ड के सभी लोग बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि काइल ज़्यादा ही शो अप करने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान वहां पर कैस नाम का एक एडवेंचरर आता है जो काइल को उसके साथ एक नाइट गोस्ट को मारने चलने को कहता है, जो सुनकर एंज काइल को इस मिशन पर जाने से मना करती है क्योंकि वो गोस्ट नाइट एक बी रैंक का मॉन्स्टर था जो बहुत खतरनाक होते हैं। और इसी दौरान उस गिल्ड के कुछ लोग कैस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो एक बहुत ही बुरा आदमी है क्योंकि कैस नए एडवेंचरर को हमेशा एक चारे की तरह इस्तेमाल करता था। तभी काइल कैस के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उसे चैलेंज करता है कि जो उस नाइट को पहले हराएगा उसे इस टास्क का सारा पैसा मिलेगा, जिस पर कैस मान जाता है और वहां से चला जाता है। इसी दौरान हम कैस को देखते हैं जो अपने कुछ साथियों से मिलने जाता है और उनके साथ एक प्लान बनाता है कि जब काइल उस नाइट गोस्ट को कमज़ोर कर देगा तब वो लोग उस नाइट गोस्ट और काइल दोनों को जान से मार देंगे और उस नाइट गोस्ट के मारने का सारा इनाम जीत जाएंगे। जिस पर वो सभी नाइट गोस्ट के जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि काइल ने पहले ही वहाँ के सभी डेड मॉन्स्टर को जान से मार दिया है। तभी काइल उन सभी को बताता है कि उसे उनके प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो आज उन लोगों को छोड़ेगा नहीं, जो सुनकर कैस के एक साथी को गुस्सा आ जाता है और वो काइल पर हमला करने की कोशिश करता है, पर काइल उसे एक दलदल में फंसा देता है और कैस और उसके दूसरे साथी पर अपने मैजिक से अटैक करता है, जो देखकर कैस का एक साथी वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी काइल क्लॉथ को वहां पर शमन करता है जो अब इवॉल्व हो गया था और एक स्लाइम किंग जितना पावरफुल हो गया था। इसके बाद क्लॉथ कैस के उस साथी को हरा देता है और साथ ही उस मोटे आदमी को भी हरा देता है, जो देखकर कैस को बहुत गुस्सा आता है और वो काइल को मारने की कोशिश करता है पर वो भी हार जाता है। फिर काइल नाइट गोस्ट के कमरे में जाता है जहाँ पर वो नाइट गोस्ट काइल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो नाइट गोस्ट काइल के साथ बातें कर रहा है क्योंकि आज तक जितने भी एडवेंचर उससे लड़ने आते थे वो सभी उस नाइट गोस्ट से डर कर वहाँ से भाग जाते थे और बस काइल ने ही उस नाइट गोस्ट से लड़ने की कोशिश की थी। तभी काइल उस नाइट गोस्ट से कहता है कि वो उसे अपना सर्वेंट बनाना चाहता है क्योंकि वो एक ताकतवर टीम बना रहा है, जिस पर वो नाइट गोस्ट काइल से कहता है कि अगर वो उसे लड़ाई में हरा देगा तब वो उसका सर्वेंट बनने को तैयार हो जाएगा, जिसके बाद उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। तभी काइल उस नाइट पर अपने एक स्पेल से अटैक करता है जिससे उस नाइट को उसके पास्ट की याद आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो नाइट अपने किंगडम का जनरल हुआ करता था और उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। पर एक दिन उसके किंगडम में एक आदमी आया जिसने उस नाइट के किंगडम को उसके अंडर शामिल होने को कहा, लेकिन उस नाइट के राजा ने उस आदमी के ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिस पर उस आदमी ने उस नाइट के किंगडम में एक वायरस छोड़ दिया जिस वजह से उस किंगडम के सभी लोगों की मौत हो गई और साथ ही उस नाइट की वाइफ भी उस वायरस की वजह से मर गई, जिस पर वो नाइट अपनी बेटी को लेकर उस किंगडम से दूर जाने लगा पर रास्ते में उसकी बेटी भी मारी गई। और यह सब याद करके उस नाइट को गुस्सा आ जाता है और वो काइल पर अपनी पूरी पावर से अटैक करने लगता है और उससे उसका बदला लेने में मदद मांगता है, जिस पर काइल उस नाइट की बात मान जाता है और उस नाइट पर अपने सबसे पावरफुल अटैक से हमला करता है जिससे वो नाइट हार जाता है। इसके बाद काइल अपने टास्क के पैसे लेकर अपने गिल्ड से जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात उसके गिल्ड मास्टर से होती है जो अपनी आँखों की पावर से पहचान लेते हैं कि काइल एक समनर है, जिस पर वो काइल से पूछते हैं कि आखिर उसने अपनी इस सच्चाई को सबसे छुपाकर क्यों रखा है, जिस पर काइल गिल्ड मास्टर को बताता है कि वो किंग के अंडर काम नहीं करना चाहता है और आम लोगों जैसी लाइफ जीना चाहता है, इसलिए उसने सबसे ये बात छुपा कर रखी है कि वो एक समनर है। तभी वो गिल्ड मास्टर काइल से कहता है कि वो जानता है कि काइल दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आया है
क्योंकि वह उसके जैसे और भी कुछ लोगों से मिल चुका है जिन्हें हीरोज़ के नाम से जाना जाता है, और उन्हें डर्मिस किंगडम के एक राजकुमारी ने इस दुनिया में समन किया था क्योंकि जल्दी ही डीमन किंग जागने वाला है, जो सुनकर काइल बहुत चौंक जाता है। फिर गिल्ड मास्टर काइल से उस डीमन किंग को रोकने में उसकी मदद मांगता है क्योंकि वो हीरोज़ अकेले उस डीमन किंग को नहीं हरा सकते थे, और बदले में वो गिल्ड मास्टर काइल के एक समनर होने की बात सबसे छुपा कर रखने का वादा करता है, जिस पर काइल मान जाता है और वहाँ से चला जाता है और अपने होटल पहुँचता है, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि जब वो डीमन किंग जाग जाएगा तब वो उसका सामना कैसे करेगा। इसलिए वो अपनी टीम को और बड़ी करने का फैसला करता है और क्लोथ से उसके पैसे बाहर निकालने को कहता है, क्योंकि काइल अपने सारे पैसे क्लोथ के पेट में रखता था। इसके बाद काइल उसी स्लेव ट्रेडर के पास जाता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी के सर में आग लगी हुई है, जिस पर वो स्लेव ट्रेडर उस आदमी की मदद करता है, पर वो आदमी स्लेव ट्रेडर पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान वहाँ पर काइल आता है जो उस स्लेव ट्रेडर से पूछता है कि आखिर उस दूसरे आदमी के साथ अभी क्या हुआ था, जिस पर वो स्लेव ट्रेडर काइल को बताता है कि उसकी एक एल्फ स्लेव की वजह से उस आदमी के बॉडी में आग लग गई थी क्योंकि उस एल्फ स्लेव के ऊपर किसी तरह का कर्ज लगा हुआ है जिस वजह से कोई भी इंसान उसे टच नहीं कर पाता है, जिस पर काइल उस लड़की के स्टैट्स को चेक करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उस लड़की के बॉडी के ऊपर किसी तरह का कर्ज लगा हुआ है, और वो स्लेव ट्रेडर को उस लड़की के पूरे पैसे दे देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी रास्ते में वो लड़की काइल को उसे खरीदने के लिए थैंक यू कहती है क्योंकि वो लड़की सालों से उस पिंजरे में ही कैद थी, जिस पर काइल उस लड़की को दिलासा देने के लिए उस लड़की के सर के ऊपर हाथ फेरने की कोशिश करता है, पर वो लड़की काइल को ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर होता है कि उसे छूने पर काइल भी बांकियों की तरह जलने लग जाएगा। लेकिन काइल एल्फी को उसकी चिंता करने से मना करता है और उसके सर पर अपना हाथ फेरता है, जिससे एल्फी के बॉडी पर लगा हुआ कर्ज टूट जाता है, जो देखकर एल्फी खुशी से रोने लग जाती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी को छुआ था। इसके बाद काइल एल्फी को अपने होटल ले जाता है और अपने होटल की ओनर से एल्फी को इंट्रोड्यूस कराता है, जिस पर वो ओनर एल्फी को अपने साथ नहलाने ले जाती है, और बाहर काइल एल्फी का इंतज़ार करने लग जाता है, जिसके कुछ देर बाद एल्फी बाहर आती है जो एक मेड की ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, और काइल की नज़र एल्फी पर से हट ही नहीं रही थी। तभी काइल एल्फी की खूबसूरती की तारीफ कर देता है जिससे एल्फी शर्मा जाती है। फिर वो सब साथ में खाना खाते हैं और काइल एल्फी को अपने बाकी साथियों से इंट्रोड्यूस कराता है और उसे उसकी अब तक की पूरी जर्नी के बारे में बताता है। लेकिन रात में काइल को बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि उसे एल्फी के साथ बेड शेयर करना पड़ रहा था क्योंकि उस पूरे होटल में डबल बेड वाला रूम खाली नहीं था। इसी दौरान हम एक लड़की को देखते हैं जिसे किसी ने कैद करके रखा हुआ था। इसके बाद हम काइल को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ मिलकर कई टास्क को कंप्लीट करता है, और धीरे धीरे अब एल्फी भी काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी, और टास्क कंप्लीट करने के बाद काइल एन से मिलता है, जहां पर हमें पता चलता है कि काइल अब बी रैंक का एडवेंचरर बन गया है। इसी दौरान एन जे एल्फी को एक स्वीट शॉप के बारे में बताती है जहां के स्वीट्स बहुत अच्छे थे, और उसे उसके साथ उस स्वीट शॉप पर चलने को कहती है, जिस पर एल्फी काइल को भी उसके साथ चलने को कहती है, जिस पर काइल मान जाता है, जिसके अगले दिन वो सभी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। तभी वहाँ पर एल्फी आती है जो बहुत सुंदर लग रही थी, और काइल भी उसे देखता रह जाता है। इसके बाद वो सभी उस स्वीट की शॉप पर जाते हैं जहाँ पर एल्फी अपने हाथों से काइल को केक खिलाने की कोशिश करती है, जो देखकर बाकी लड़कों को काइल से बहुत जलन हो रही थी। तभी वहाँ पर एक नोबल फैमिली का लड़का आता है जो काइल और उसके दोस्तों को डिस्टर्ब कर देता है, और उस लड़के के साथी काइल को उस लड़के के आगे झुकने को कहते हैं, पर काइल इसके लिए मना कर देता है, जिस पर वो लड़का काइल को धमकी देता है कि अगर वह उसके आगे नहीं झुकेगा तब वो उसकी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जाएगा, जो सुनकर काइल को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के के साथियों को दूर उड़ा देता है और उस लड़के को अपनी पावर से अपने कदमों में झुका देता है, जिससे उस लड़के की सभी लोगों के सामने बेइज्जती हो जाती है और काइल वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान हम एक गॉडेस को देखते हैं जो डर्मिस किंगडम के प्रिंसेस से उसके हीरोज़ को एक काम पूरा करने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर वो हीरोज़ आ जाते हैं, जिस पर वो प्रिंसेस उन्हें उनके मिशन के बारे में बताती है, जिसके अगले दिन काइल गिल्ड मास्टर से मिलने जाता है, जहाँ पर वो गिल्ड मास्टर काइल को एक जगह पर जाने को कहता है जहाँ पर किसी डीमन के होने की आशंका थी, जिस पर काइल उस जगह पर जाता है जहाँ पर काइल का एक साथी उसे उस डीमन की लोकेशन बताता है,
जो सुनकर काइल अपने साथियों के साथ उस जगह के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक दरवाज़ा मिलता है, लेकिन काइल जैसे ही उस दरवाजे को छूता है वो दरवाज़ा सीधा खुल जाता है। इसके बाद काइल को वहाँ पर एक डीमन मिलता है जिसने एक लेडी डीमन को बांध कर रखा था, जिस पर काइल उस डीमन से पूछता है कि आखिर उसने अपने ही साथी को क्यों बांध कर रखा है। जिस पर वो डीमन काइल से कहता है कि वो यहाँ पर एक रिचुअल करने वाला है जिसमें वो उस लड़की को सेक्रीफाइस करेगा जिससे वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, जो सुनकर काइल को गुस्सा आ जाता है और वो उस डीमन से लड़ने को तैयार हो जाता है, जो देखकर वो डीमन काइल पर एक अटैक करता है। पर गेराल्ट बीच में आकर उस डीमन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर वो उसमें पीछे उड़ जाता है। तभी वो डीमन अपनी पावर से कुछ डेडमैन की आर्मी को जिंदा कर देता है, जिस पर काइल के साथी उन डेडमैन से लड़ने लगते हैं और उन्हें हरा देते हैं, जो देखकर वो डीमन अपने एक टेक्निक का यूज़ करके ज़मीन के नीचे चला जाता है और काइल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर काइल उन अटैक से बच जाता है। तभी वो डीमन काइल को पीछे से मारने वाला होता है पर क्लॉथ आकर उस डीमन के हाथ को पकड़ लेता है और काइल अपने एक स्पेल के इस्तेमाल से उस डीमन के हाथ को बांध देता है और यह मौका देखकर ग्रैड उस डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो डीमन काइल के मैजिक को तोड़ देता है और गेराल्ट के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एल्फी पीछे से उस डीमन पर अटैक करती है जिससे वो डीमन कमज़ोर हो जाता है और गेराल्ट उस डीमन के हाथ को काट देता है, जो देखकर उस डीमन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ट्रू डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस पर काइल अपने साथियों के साथ मिलकर उस डीमन से लड़ने लगता है। पर वो डीमन काफ़ी स्ट्रांग होता है और गेराल्ट को नीचे पटक देता है और उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन एल्फी अपने एरो के अटैक से उस डीमन को पीछे धकेल देती है, लेकिन वो डीमन अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होता है, जो देखकर क्लॉथ उस डीमन का ध्यान भटकाता है और काइल और उसके साथी उस डीमन पर अपने कंबाइंड मैजिक से अटैक करते हैं जिससे वो डीमन बहुत घायल हो जाता है और उस अटैक की वजह से वो जगह भी टूटने लगती है, जिससे उस डीमन लड़की पर एक छत गिरने वाली होती है, पर वो डीमन खुद बीच में आकर उस लड़की को बचा लेता है, जो देखकर काइल उस डीमन से पूछता है कि आखिर उसने उस लड़की की जान क्यों बचाई जबकि वो खुद उसे मारने वाला था, जिस पर वो डीमन काइल से कहता है कि उसने पहले उसे झूठ बोला था कि वो उस लड़की का सेक्रीफाइस देने वाला है, क्योंकि वो डीमन शुरुआत से ही जानता था कि वो काइल और उसके साथियों को नहीं हरा सकता है और उसे लगा कि अगर वो काइल से कहेगा कि वो उस लड़की को जान से मारने वाला है तो काइल उस लड़की को बचाने की कोशिश करेगा और बाद में उसे अपनी टीम में शामिल कर लेगा। और उस डीमन ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वो लड़की उस डीमन की बेटी थी, जो सुनकर काइल को थोड़ा दुख होता है। तभी वो डीमन काइल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी को ना मारे और अपनी टीम में शामिल कर ले, जिस पर काइल थोड़ा सोचने के बाद इसके लिए मान जाता है और उस डीमन की डेथ हो जाती है। तभी एल्फी काइल से पूछती है कि क्या वो सच में उस लड़की को अपने साथ रखने वाला है, क्योंकि वो लड़की एक डीमन है और इंसान और डीमन कभी भी साथ में नहीं रह सकते हैं, लेकिन काइल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वो उस लड़की को आज़ाद कर देता है और उसे उसके साथ एक नई लाइफ शुरू करने को कहता है। इसके बाद काइल उस लड़की को लेकर उस गुफा से बाहर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काइल ने अपने मैजिक से उस लड़की के विंग्स और हॉर्न को छुपा दिया था और बाकी लोगों को भी वो लड़की नॉर्मल लग रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस किंगडम से लड़ने के बाद गेराल्ट इवॉल्व हो गया था और अब सेरा भी नॉर्मल लग रही थी। फिर काइल सेरा को अपने गिल्ड पर ले जाता है जहाँ पर वो सभी खूब पार्टी करते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीरीज़ का सेकेंड पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।